हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स टेक सुहेल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रो कबड्डी सीजन 9 के टॉप ऑलराउंडर्स के बारे में, जो प्लेयर्स वॉच आउट रहने वाले हैं प्रो कबड्डी सीजन 10 में। शुरू से लेकर एंड तक वीडियो में बने रहे। अगर आप हमारे इस चैनल स्पोर्ट्स टेक सुहेल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे बहुत ज़्यादा कंटेंट कबड्डी और प्रो कबड्डी से रिलेटेड इस चैनल पर देखने को मिलता है। तो बिना किसी वक्त को ज़ाया करते हुए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले हमने 5 बड़े नाम उसको रखा है जो प्रो कबड्डी सीजन कुछ खेलते आए हैं, और इन प्लेयर्स को हमने 5 नाम बहुत बड़े रखे हैं जो प्रो कबड्डी सीजन 10 में प्लेयर्स वॉच आउट रहने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप भी प्रो कबड्डी सीजन 10 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो एक वीडियो लाइक बनता है। अगर आप हमारी इस वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहला नाम निकल कर आ रहा है प्रतीक दहिया का। प्रतीक दहिया प्रो कबड्डी सीजन 7-8 में बहुत ज़्यादा टीम्स का हिस्सा बने थे, बट प्रतीक दहिया प्रो कबड्डी सीजन 9 में गुजरात जायंट्स का हिस्सा थे। प्रतीक दहिया बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है। प्रतीक दहिया ने प्रो कबड्डी सीजन 9 में 183 पॉइंट्स लिए थे, 170 टोटल और 5 टैकल पॉइंट्स लिए थे। तो प्रतीक दहिया यहाँ पे प्लेयर वॉच आउट रहने वाले हैं प्रो कबड्डी सीजन 10 में। इसके बाद दूसरा बड़ा नाम बहुत बड़ा निकल कर आ रहा है, रोहित गुलिया। पटना पायरेट्स का ये एक छोटा सा तोहफा था, छोटे कद के हैं लेकिन बहुत अच्छे प्लेयर है रोहित गुलिया। 148 पॉइंट्स के साथ इन्होंने अपने लीग स्टेज के मैच को एंड किया था। रोहित गुलिया बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर उभर कर आए थे पटना पायरेट्स टीम की तरफ से। तो ये प्लेयर भी वॉच आउट रहने वाला है प्रो कबड्डी सीजन 10 के ऑक्शन में। इसके बाद फिर अगर हम आगे चलते हैं तो दूसरा बहुत बड़ा नाम इसी टीम से रिलेटेड है, मोहम्मद रजा शादलू, यानी कि मोहम्मद रजा छियाने। पटना पायरेट्स ने सीजन 8 में इस प्लेयर को खरीदा था, लेकिन थोड़ा मौका मिलने के बाद प्लेयर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। प्रो कबड्डी सीजन 8 और 9 में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई थी यहाँ पर मोहम्मद रजा छियाने ने। टोटल 89 पॉइंट्स के साथ अपने इन मैच को एंड किया था मोहम्मद रजा छियाने ने। तो ये प्लेयर भी वॉच आउट रहने वाला है प्रो कबड्डी सीजन 10 के ऑक्शन में। इसके बाद फिर चौथे नाम की तरफ चलते हैं तो चौथा नाम बहुत बड़ा निकल कर आ रहा है विजय मलिक का। विजय मलिक दबंग दिल्ली टीम का हिस्सा है प्रो कबड्डी सीजन 7-8 और 9 में। सीजन 9 में 82 पॉइंट्स के साथ विजय मलिक ने अपने मैच को ख़त्म किया था प्रो कबड्डी सीजन 9 में। तो ये प्लेयर भी वॉच आउट रहने वाला है प्रो कबड्डी सीजन 10 में। इसके बाद पांचवा बहुत बड़ा नाम निकल कर आ रहा है दीपक हुड़ा। दीपक हुड़ा भी बहुत ज़्यादा टीम्स का हिस्सा बने थे। 47 पॉइंट्स और 9 टैकल पॉइंट्स के साथ दीपक हुड़ा ने अपने मैच को एंड किया था। तो ये प्लेयर भी प्लेयर वॉच आउट रहने वाले प्रो कबड्डी सीजन 10 के ऑक्शन में। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आज की वीडियो थी। अगर वीडियो थोड़ी पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आगे बहुत ज्यादा कंटेंट कबड्डी से रिलेटेड इस चैनल पर देखने को मिलता है। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।